जिसमें मच्छंदर नाथ जी महाराज झोली ठा के कंधे पर नगरी में अलख जगाने के लिए चलते हैं। सारी नगरी में अलख जगाई। मच्छंदर नाथ जी महाराज ने एक सरस्वती ब्राह्मणी थी उसके वर्ण आगे जाकर अलख जगाई। अलख निरंजन, भीतर से सरस्वती निकल करके आई और बाबा जी के भिक्षा गाल दी। भिक्षा गाल कर खुद झोली करके खड़ी होगी। ये मच्छंदर नाथ जी महाराज कहने लगे, माई की बेटी झोली क्यों करी, के बात है? न बोली बाबा, आप तो भगवान के भगत हो, अंतर्यामी हो, आप सारी बात का बेरा जाए, मैंने झोली क्यों करी? न बोला, माई की बेटी समझा नहीं। न बोली, देखे तना तो सारा बेरा है। न बोला, बेटी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहूं, क्या कहना चाहती? सरस्वती ब्राह्मणी की आंखें में पानी आ गया। न बोली, बाबा मैं एक ऐसी औरत हूं जिसके ब्याह में कई साल हो गए, मेरा कोई औलाद को न्या, और आप भगवान के भगत तो कोई सा वरदान दे दो मैंने जिससे मेरा बेटा बेटी किमें तो मेरे बांझ पड़े का जो ठप्पा लग रहा है वो धू जाएगा, वो दाग धू जाएगा, लोग मैंने बांझ कैसे। रोन लगी सरस्वती ब्राह्मणी और गुरु मच्छंद्र नाथ जी महाराज का आगे कहने लगी दो भजन गुरु गोरखनाथ जी के आप लोगों के बीच में, उसके बाद जैसा भी माता रानी का आदेश होगा। क्या कहने लगी, बड़ा गजब का भजन डेरू बना हुआ है, क्योंकि गोरखनाथ जी के भजन डेरू पे बड़े अच्छे लगते हैं, तो मास्टर जी बना उसके दूसरे से। सरस्वती ब्राह्मणी गुरु मच्छंद्र नाथ महाराज को क्या कहने लगी, नु बोली मैं सू दुखियारी नारी, बाबा जी सुन ले मन की सारी, बाबा जी एक एक बोल सुनियो। सरस्वती ब्राह्मणी गुरु मच्छंद्रनाथ महाराज का क्या कहने लगे, ओ मैं सू दुखियारी नारी बाबा जी।
उसके बाद मच्छंद्रनाथ जी महाराज ने एक छोटी सी पुड़िया बभूत की और सरस्वती ब्राह्मणी को दे देने, बोला माई की बेटी मैं नाथ हूं, भगवान का पूज्य भगत हूं, लो मैं आपको ये बभूत की पुड़िया देता हूं, नहा धोकर शंकर भगवान का ध्यान करके और इस पुड़िया का सेवन कर लिए नौम अभिनेत्रे गर्भ से बड़ी सुत्री संतान जन्म लेगी। ये बाबा जी चला गया, पाचद पड़ोसन ने बका दी, नोलियाए आए बेबे, बोले आज तो दिन में एक बाबा जी आया, धरिया पुड़िया दे गया, बेबे नुका नहा धोकर खा लिए और तेरे औलाद हो जाएगी। पड़ोसन बोलिया जमाए बोली ढिंडा है तो पागल सही जमाए, एक केवरा कौन कड़ेगा बाबा था, केवरा के जार मिला रखा उन्होंने ना खाइए इस पुड़िया ने, केवरा के मिला रखा होगा। पड़ोसन ने बका दी लोगों उस समय, अरे घर में गऊ होया कर दी, गऊ का गोबर इकट्ठा कर दे, जो ग्रापा भैंसा के गोबर की कुरड़ी लगाते हैं, तो उसने के कराया वह पुड़िया ठाई और गऊ का गोबर में कुरड़ी में गिर आई। इन बातों ने 12 साल बीत गए, गुरु मच्छंद्रनाथ जी महाराज ने सोचे लमाई का बेटा बड़ा ही होगा, चल दर्शन करके आता हूँ, एक बार जाता हूँ। 12 साल बाद मच्छंद्रनाथ महाराज जब नगरी में आए और जाके सरस्वती ब्राह्मणी के द्वार पर जाकर अलग जगह भीतर तक सरस्वती ब्राह्मणी लिखट गई, ईशा भी दिखाओ बाबा धोड़ी होगी देखो, ओ हो ये तो वो है बाबा से जो 12 साल पहले आया था। बोले माई की बेटी पहचाना, बोली हाँ बाबा पहचान लिया, ले माई की बेटी 12 साल का हो गया होगा छोरा, बड़ा ही हो गया होगा, दर्शन करा की साक्ष है छोरा, नीचे नाड़ करके खड़ी हुई, बोली बाबा छोरा तो होया ही ना। इतने सुनते मच्छंद्रनाथ महाराज बोले असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वरदान झूठा नहीं हो सकता, मैंने जो भूत की पुड़िया दी थी वो झूठी नहीं है, मैं एक सच्चा नाथ हूं, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, सच सच बता माई की बेटी, जो पुड़िया मैं दे गया था वह तने खाई कि नहीं खाई। नोली बाबा अड़े तो मार खागी, क्या कहना चाहती है, बाबा जी आप तो पुड़िया देकर चले गए, पाछा तो मैं पड़ोसन ने बका दी और मन तो वह पुड़िया खाई को नार देखे, वह पुड़िया ठाक बाबा मन तो कुरड़ी में गिर दी। मच्छंद्रनाथ महाराज माथा पकड़ के बैठ गई, ये के अनर्थ कर दिया तेना माई की बेटी, मन दे तेरे पर दया आ गई थी कि बेचारी दुखिया है, या छोटा सा वरदान दे दी मेरी तपस्या में काट के मैंने तेरे को वरदान दिया था, पर मन नू के बेरा था, तू मेरे वरदान की न्यू बेइज्जती करेगी, इतना अपमान करेगी, फटाफट तोड़ी चाल जल्दी बता, मैंने वह पुड़िया कड़े गिरी थी। सजनो आगा गए सरस्वती, पाछा पाछा मच्छंद्रनाथ महाराज कुरड़ी का ढेर धोरे, लेकिन बोली बाबा आड़े गिरी थी 12 साल पहले। बाबा जी पलाती मार के बैठ गए, राम के नाम लेने लग गए, थोड़ी देर मां खोल गए, रुका मारिया ने बोला चिले ऐ बेटा अगर तेरा जन्म हो गया हो तो एक बार रुका मार के बता। कहते हैं कुरड़ी में से आवाज आती है, अरे गुरु जी मेरा जन्म हो ना 12 साल हो गए, मैं तो इस कुरड़ी में इस गंध में दबा पड़ा हूं, गुरु जी आप कड़े रह गए थे, मैंने काट लो, मैं इसमें दबा पड़ा हूं। जब कुरड़ी में तो आवाज आई, सारी नगरी खड़ी खड़ी दिखाए, कुरड़ी बोल कमाल है भाई, जुलम हो गया लोगों। थोड़ी देर की बात कहते हैं उस कुरड़ी में से गुरु मच्छंद्रनाथ जी महाराज ने उस बच्चे को बाहर निकाल लिया, 12 साल का छोरा कुरड़ी में निकलिया, गोबर में से पैदा होने के कारण उस बच्चे का नाम गोरख रखा गया और नाथ पंथ था किसका, मच्छंद्रनाथ महाराज का, उस बच्चे का नाम रख दिया गया गोरखनाथ। बोलिए जति गोरखनाथ महाराज की। ये बाबा जी कहने लगे बेटा गोरख तेरा नाम आज से गोरखनाथ है, तू मेरा चेला है और चलो इस दुनियादारी में हमारा कोई काम नहीं, हम सन्यासी लोग हैं, योगी हैं, चलो जंगल बियाबान में चलते हैं, भगवान का भजन करेंगे, तेरे को रिद्धि सिद्धियों का दाता बनाऊंगा, सिखाऊंगा तेरे को बहुत कुछ। आगा आगे गुरु मच्छंद्रनाथ पाछा पाछा गोरख हो लिया, सरस्वती ब्राह्मणी ने देख लिया तो छोरे ने ले गया भाज के पाया पड़की ने बोली ओ बाबा बाबा रुक जा बाबा, एक बार मेरी बात सुन ले, बाबा ने बोलिया दूर हो जा दुष्टनी कुलक्षणी दूर हो जा। न बोली बाबा मन बेरा सा मेरी गलती होगी यार घनी बड्डी होगी, अर बाबा मन माफ कर दे ये छोरा मन दे दे। बोलिया अच्छा है तू घनी सियाणी से, आए मन ने तो मेर करके तेरे तो भभूति की पुड़िया दी, जब तक न मैं झूठा ला गया और ईब जब ये छोरा इतना बड़ा हो गया ईब तू सोचे से मन लाल मिल जाएगा, मन में लीजिए दूर हो जा मेरा रास्ता छोड़ दे, मन और मेरे चिल्ले न जान दे। आंखियां में बड़े बड़े आंसू आ गए, अपना लत्ता सिर पर तार के बाबा के पाया में गिर दिया और रोन लगी। न बोली बाबा मन माफ कर दे मेरे पर गलती होगी और मन ये छोरा दे दे। गुरु मच्छंद्रनाथ जी महाराज गुस्से में भी हो गए, मन पसीज गया, बोला माई की बेटी मन रोक मतने
मैं ऐसा सन्यासी हूं तने कोई शराब दे दूंगा, दूर हो जा, चली जा यहां से। तन्ने तो अपना पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, मन तेरा भला सोचा था, मगर तू घटिया लिगड़ी, तने मेरा अपमान करया है, योगी बाबा का अपमान करया है। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज कहने लगे, तने पैर पर कुहाड़ी मार के अपना बागा पे फोड़ दिया। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज रो भी रहे हैं और गुस्से में भी हैं। चलते चलते उस सरस्वती को क्या कह रहे हैं लोगों, सुनिए भला। तेरी माई मारी कुल्हाड़ी अपने पैर, भाग क्यों फोड़ लिया। यो या कर दिया असली दर्जा बने रही आने की। ये पढ़ने वाली छोरी जब देखे विदाई पार्टी हुआ करती ना, दसवीं बारहवीं की जब गा करती है, मेरा सोलह लड़ी का हार आज टूटे से। और जब छोरी की विदाई हुआ करती ना, दीवार भी रोए पड़ा करती, ईसा मंजर हो जाया करता, आए मेरे बाप भूल नहीं लिया हो, ये भूला मेरे संग मिल लेगा। कितनी करोड़ तरज आया दिनों को अड़ ला गया करती, भगवान कहाँ गई वो दिन। आज कल लेना तो बेरा उन्हें क्या है कभी, पहला जो रस रंग होया करते ना, मत आज सही गुनिया, वहीं से मैंने ये तर्क चुराई है मेरी बहनों, आपकी तर्क है और बोल मैंने अपने लिखे हैं। गुरु मच्छिंद्र नाथ महाराज क्या कहने लगे, एरी माई मारी कुल्हाड़ी अपने सोचा था दुखिया है बेचारी, कोई बात नहीं, इस पर तरस खा लेता हूं। और मैंने अपनी समझ के तेरे को कबूती दी थी, पर तन्ना मैं अपना नहीं समझा, तेरा तो गैर समझ लिया कि केवरा कौन बाबा था, केवरा के दे गया मैंने, तने मेरे पे विश्वास नहीं करया। गुरु मच्छिंद्र नाथ महाराज रो रहे हैं, नंबर दो पर क्या कह रहे हैं, बबूती दी थी, तेरी माई
आखन लगी माई की बेटी मैं तो यू राजी हो रहा था, 12 साल हो गए छोरा बड़ा हो गया हुआ, या दर्शन तक कर भगवान ने किसी को ला दी है, मैं तो राजी हो गए सैर करना आया था त्रिनगरी में, पर मन ने किन मेरा था इतनी पूरी खबर में लगी मैंने, तना ने मेरा नाश पीट दिया, नाथों का अपमान किया है तूने, साइड बोले हट जा बस। नंबर 3 पर मच्छंदर नाथ महाराज क्या कर कि मने तेरी गोद भराई चाई पर तने अपने हाथ अपनी गोद सुन्नी कर ली, और ईब तेरा आग का भाग बताऊं के है, नोली बाबा के है, नोलिया सारी उम्र बांझ रहोगी तेरा बेटा गोन्या हुई कदे मन में ले जी तने मेरा अपमान कराया है। नवली बाबा ये आंसू क्या कहना चाहते हैं, नवला माई की बेटी आंसू न्यू कहना चाहूँ, जिसने मैं सुखिया देखना चाहूँ तो वह बोर्ड कर फिर दुखिया होगी, मेरे भीतर में लहर उठे से मैं धीर क्यों कर धरूँ, मैं एक योगी बाबा होके आज धोखा खा गया मैंने तेरे को पहचाना नहीं। नंबर 4 पे गुरु मच्छंद्र नाथ महाराज क्या नाथ महाराज की।